22 जनवरी 2024 हर कोई इंतजार कर रहा है इस डेट का, और करे भी क्यों ना। सदियों से चला आ रहा नारा मंदिर वहीं बनेगा का अंत और मंदिर अयोध्या में बन गया है के आगाज का दिन है ये। पूरा भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और इस दिन 3000 VVIP समेत कुल 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि किन किन दिग्गजों को इस दिन पे स्पेशल इनवाइट किया गया है? अगर नहीं तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे पे। तैयारियां बड़े उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कई फिल्म व्यक्तियों को शामिल होने के लिए बुलाया है, जिसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट है बिग बे यानी कि अमिताभ बच्चन, वो भी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे और उन्हें इस ग्रैंड इवेंट के लिए स्पेशल तौर पे इनवाइट किया गया है। उसके बाद सेकंड है धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित जी, हाँ ये भी इस शिलान्यास समारोह में एक मेहमान होंगी। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है इसके बाद में बॉलीवुड के फेमस सितारे अक्षय कुमार का, जो 22 जनवरी को राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद में अगला नाम आता है फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली का, इनको भी सरकार ने इस महोत्सव में शामिल होने के लिए स्पेशली बुलाया है। भंसाली भी शानदार अवसर में भाग लेने वाले हैं। वहीं अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ में नजर आने वाले हैं सुपर स्टार रजनीकांत भी, वो दोनों भी इस मेगा इवेंट के अंदर भाग लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ में डंकी के निर्देशक राजकुमार हिरानी भी महोत्सव का हिस्सा होंगे। सरकार ने सुपरस्टार धनुष को भी आमंत्रित किया है इस खास मौके पर। इसके साथ में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को भी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। केरला फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां के सुपरस्टार या कहीं मेगा स्टार मोहनलाल को भी सरकार ने आमंत्रित किया है शिलान्यास समारोह के दिन। इन बॉलीवुड सितारों के अलावा सरकार ने कनाडा फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को भी बुलाया है राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही कई सारे और सिंगर्स जैसे कि कैलाश खेर स्टेज पर अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस भी वहां पर देने वाले हैं। वही साथ में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखी जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से इस फंक्शन में ना आने की रिक्वेस्ट की गई है। सूत्रों की माने तो उनकी सेहत को देखते हुए ऐसा किया गया है। मगर आपको क्या लगता है कि किसी को आने से मना करना कितना सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखना अब यह है कि जब तक 22 जनवरी आती है तब तक और किन किन लोगों को इनवाइट किया जाता है, क्या इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन से भी कई देशों के प्रधानमंत्री या कई बड़े नामी चेहरे सामने आते हैं इस खास मौके पे। क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से 22 जनवरी को हिंदुत्व की दिवाली ही है। कोई रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल राजस्थान संवाद। नमस्ते, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल इंडियन स्पोक्सपर्सन फॉर योर बिजनेस प्रमोशन? लुक नो फर्दर, आई एम वरुण, एन एक्टर स्पोक्सपर्सन विद 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस। वेदर यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रमोटिंग अ सर्विस, और सिंपली एमिंग टू कनेक्ट विद योर audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.